हम गाइस हम आ गए हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। हम अभी है खेरा में और यहाँ आए थे रामदेव जी के मेले में, ठीक है। तो अब हम इनसे जानकारी लेंगे रामदेव जी के मंदिर की, और एक यहाँ पे और मंदिर है जो किस देवता का है, बालीनाथ जी जानकीनाथ जी का है उस मंदिर की, और उस मंदिर की रामदेव जी के मंदिर की जो मेला लगता है रामदेव जी के दस्यु का उसकी, और इस मंदिर की जानकारी लेंगे। ये जो गाँव के बंदे बैठे हुए हैं पास में, पूरी जानकारी हम लेने वाले भाई से। आपके चैनल पर स्वागत है। ये अपने सुभाष भाई, तो सुभाष भाई से हम इस मंदिर की जानकारी लेंगे। ये जो है जानकीनाथ जी का मंदिर, इस पे कब मेला लगता है और क्या इसकी मतलब भूमिका है इस गांव के लिए, तो बताइए ये जो मंदिर है कब बना था और क्या इसका क्यों बना था, और मतलब यहाँ पे कब मेला लगता है, मेला लगता है कि नहीं लगता है क्या? यहाँ पे मेला तो नहीं लगता है, मेला नहीं लगता क्या यहाँ पे? जागरण मतलब लगता है क्या, जागरण वगैरह लगता है या मेला नहीं लगता क्या? क्या किस मतलब उद्देश्य से बनाया गया ये? मतलब किस भावना से बनाया गया? जैसे मंदिर बनती है तो जो मतलब सबकी चंदा वगैरह इकट्ठा करके तब बनते हैं, ठीक है, कोई उद्देश्य होता है गांव का? जैसे राम अकेले ने तो नहीं बनाया, मतलब ऐसे बनता है मंदिर जैसे गांव की तरफ से चंदा इकट्ठा होता है। इस गांव का मंदिर है या फिर किसी बाहर के मंदिर, जैसे खेरा का मंदिर बनाया ना, तो इसका चंदा हमारे उस गांव से भी लिया गया है, बुद्ध स्तर से और बुद्ध स्तर से और तेलाना से सभी जगह चंदा इकट्ठा करके और ये मंदिर बनाया है रामदेव जी का। ऐसे बनाया या फिर गाँव का ही मंदिर है? चलो तो उस तरह से चंदा लेकर बनाया गया है या फिर गांव की मतलब इकट्ठे बंदों ने बनाया इसको? नहीं, चंदा लेकर नहीं भैया, ये मंदिर बनाया गया है ना सारे ग्रामीण पास पास में गो कराना है। दो बंदे बैठे हैं यहाँ पे, दोनों बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ ये जो मंदिर है इसमें चंदा लेकर मंदिर बनाया गया है, ठीक है। हम कह रहे नहीं लिया हुआ है। ये बंदा बोल रहा है कि चंदा नहीं लिया, हम बता रहे ये बोल रहा है चंदा लिया है, और ये बोल रहा है खिलेरिया डेलाना और वहाँ से चंदा लिया गया, ठीक है। अगर ये चंदा लेके मंदिर बनाया गया तो इसमें मेला क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? मेला लगता है, मेला लगता है, जागरण लगता है। तो जागरण का मतलब बंदो बोलते है की जाए जाके गाँव में कोई टेम्पू वगैरह नहीं कुछ नहीं, आप बताओ मेरे को मतलब इस मंदिर पे भीड़ कितनी इकट्ठी होती है जागरण की? कितने बंदे आ जाते हैं लगभग शिवरात्रि के? ये बंदा बोल रहा है कि शिवरात्रि की जागरण होती है, शिवरात्रि की होती है ना? शिवरात्रि को तो शिव जी का होता है ना, जानकीनाथ जी। हेलो शिव जी और नहीं जानकीनाथ जी कौन से लोक देवता है? मैंने तो नाम भी नहीं सुना। बताइए तो इधर आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई साहब आपका? सुबह को जरता नहीं लगाया हुआ इनके, और ये जानकारी नहीं दे पा रहे। चल रहा है, चल रहा है, बंद की दिक्कत है। कर दे भाई जी, बंद कर दे। गोपा की इनके ये मुद्दे देख लीजिए, जर्दा उतर गया इनके और जर्दा हमारे पास भी नहीं है, तो इनको दे कहाँ से जर्दा? इनको तरह के लाएंगे यहाँ से है जो लगभग एक, अरे हमारे पास सिर्फ चुनने की टोप बची है वो यहाँ पर इसके लाल लगा रहे हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि मतलब यहाँ से एक किलोमीटर दुकान है, वो जर्दा यहाँ से लगभग वहाँ तक मंदिर पर मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो मतलब चुनना हमारे पास उपलब्ध है, पर जर्दे के लिए हमको दर दर भटकना पड़ रहा है। ये कोई बिल्कुल ये कोई आप क्यों खा रहे हो मेरे यहाँ से? एक तो ये